हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्स टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 4 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 3% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान देते हैं तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 9% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने के अंदर 14%, 3 महीने में 9% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। तो अब इस स्टॉक में देखें तो लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 210 रुपीज, 210 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का नीचे का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 143 रुपीज, 143 रुपीज के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज 173 रुपीज, 173 रुपीज का जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देता है इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 160 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 220 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।